दोस्तों इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी ऐसी 15 बातों को जानोगे जो वाकई में आपको हैरान कर देगी। सो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों फ्रैंक लैंटिनिंग एक अमेरिकी व्यक्ति था। ये इंसान 3 टांगों और 4 पैरों के साथ पैदा हुआ था। फ्रैंक 78 सालों तक जिंदा रहे और ये एक सर्कस में काम किया करते थे। 1883 में इंडोनेशिया में हुई ज्वालामुखी विस्फोट दुनिया का सबसे लाउडेस्ट साउंड प्रोड्यूस किया था। इस ज्वालामुखी के फटने से जो धमाका हुआ था उसकी आवाज 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई थी। इस धमाके के गूंज हजारों किलोमीटर दूर तक 7 बार सुनाई दी और जो लोग इस ज्वालामुखी के 150 किलोमीटर के दायरे में रहते थे उनकी सुनने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। दोस्तों जब से इस धरती पर हम इंसानों का इतिहास शुरू हुआ है तब से लेकर इंसानों की आबादी को 1 बिलियन तक पहुंचने में 2 लाख साल लगे और इस आबादी को 1 बिलियन से 7 बिलियन तक पहुंचने में महज 200 साल लगे। दोस्तों मोमेंट वास्तव में मिडिल एजेस के जमाने की एक टाइम यूनिट है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं वैसे ही 1 मोमेंट में होते थे 90 सेकंड। सो इसलिए मिडिल एजेस में 1 घंटा 40 मोमेंट का होता था। डिमेट्रिव मेंडलिव एक बेहद गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। 1849 में मेंडलिव अपनी माँ के साथ 2000 किलोमीटर का सफर तय करके सर्बिया से मॉस्को गए थे मॉस्को के यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए। पर दोस्तों मॉस्को के यूनिवर्सिटी ने मेंडलिव को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद मेंडलिव एक और लंबी यात्रा करके सेंट पीटरबर्ग चले गए। वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मेंडलिव को एक्सेप्ट कर लिया और उस एजुकेशन को हासिल करके मेंडलिव एक महान साइंटिस्ट बने। उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। आज उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के रूप में याद किया जाता है। विलोज विप नाम का ये हाउस नॉर्थ अमेरिका का सबसे भयानक और खौफनाक घर है। इस हाउस को लेट 19 सेंचुरी में बनाया गया था और इसे उल्टे क्रॉस की शेप में बनाया गया था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस घर को बुरी आत्माओं को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। एन होजेस नाम की यह महिला दुनिया की अकेली इंसान है जिससे आसमान से गिरने वाले उल्कापिंड जो होते हैं उससे टकराई थी। ये उल्कापिंड 30 नवंबर 1954 को अमेरिका के अलबाजा शहर में गिरा था और इस उल्कापिंड का एक छोटा टुकड़ा एन होजेस से टकराया था। पाब्लो पिकासो 20वीं सदी के एक महान पेंटर थे। ये पिकासो का सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसे उन्होंने तब बनाया था जब वे 16 साल के थे और ये भी पिकासो का सेल्फ पोर्ट्रेट है। इसे उन्होंने 72 साल की उम्र में बनाया था। पिकासो ने कहा था कि मुझे 4 साल लगे थे राफेल जैसा एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह पेंट करने में और मुझे पूरी जिंदगी लग गई एक बच्चे की तरह पेंट करने में। दोस्तों 1965 में रोजर लोजियर नाम का एक 4 साल का बच्चा एक बीच पर लगभग डूबने ही वाला था। तभी एलिस ब्लेज नाम की औरत ने उस बच्चे को बचा लिया। 10 साल बाद उस लड़के ने उसी बीच पर एक आदमी को डूबने से बचाया था और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वह आदमी एलिस ब्लेज का पति था। दोस्तों अच्छे कर्मों का फल आपको मिल ही जाता है, इस घटना से यह साबित भी होता है। दोस्तों हैंस लैंगसेथ एक नॉर्वेजियन व्यक्ति थे। इनके नाम दुनिया का सबसे लंबी दाढ़ी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1927 में 81 साल की उम्र में जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी दाढ़ी की लंबाई 17 फीट 6 इंच थी। 19वीं सदी में अमेरिका में एक फैमिली रहती थी जिसे आज द ब्लडी बेंडर्स के नाम से जाना जाता है। ये सीरियल किलर की फैमिली थी। 1871 से 1873 के बीच इस फैमिली ने मिलकर दर्जनों हत्याएं की। इससे पहले कि इस फैमिली का क्राइम सामने आता और इन्हें पकड़ लिया जाता ये फैमिली फरार हो गई और इसके बाद इस फैमिली को कभी नहीं देखा गया। दोस्तों चार्ल्स डार्विन पहले ऐसे इंसान थे जो ऑफिस चेयर के नीचे पहिए लगाने की आइडिया को लेकर सामने आए थे। डार्विन ने सजेस्ट किया था कि ऑफिस चेयर के नीचे पहिए लगे होने से काम तेजी से और आसानी से हो पाएगा। दोस्तों एशियंट ग्रीस के लोग नैपकिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसकी बजाय वे लोग ब्रेड के टुकड़े पर अपने हाथों को पोंछकर कुत्ते को खिला दिया करते थे। आगा मोहम्मद खान कजार ईरान का बादशाह था।
इसने अपने दो नौकरों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया था, क्योंकि वो दोनों नौकर अक्सर आपस में लड़ते रहते थे और काफी शोर मचाते थे। तंग आकर बादशाह ने उन्हें सजाए मौत सुना दी। जिस दिन उन नौकरों को सजा दी जानी थी, उस दिन संयोग से इस्लाम का एक पवित्र दिन था, सो बादशाह ने ये हुक्म दिया कि सजा एक दिन बाद दी जाएगी और उन नौकरों को महल के अंदर बिना कैद खाने और जंजीरों के रहने दिया। उसी रात उन दोनों ने बादशाह का कत्ल कर दिया। दिसंबर 1952 में लंदन में बाहरी स्मोग छा गई थी। ये स्मोग इतना ज्यादा बुरी थी कि सड़क पर चलने वाले लोग अपने पैर तक नहीं देख पा रहे थे। ये स्मोग 4-5 दिन तक चली थी, जिसमें इसकी वजह से 4000 जाने चली गई। हैरानी की बात है कि एक बड़ी मात्रा में लोग लंग्स प्रॉब्लम की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि वो नदी में गिरने से दूसरे घटनाओं की वजह से मरे थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये इतना ज्यादा बुरा स्मोग छाया हुआ था लंदन। सो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।